दोस्तों मोटो ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है, मोटो G45। 10,999 की इसकी बेसिक प्राइस है। ऑफर्स के अंतर्गत आपको 1,000 ऑफ मिल जाएगा, तो ये फ़ोन आपको 9,999 का पड़ेगा। 4 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट। सेम इसी वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं 4 GB रैम की और 128 GB के वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं, तो पोको का स्मार्टफोन आता है पोको M6 Pro 5G, और उसकी प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट पर 9,999। यानी कि दोनों लगभग सेम प्राइस पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मली नॉर्मल प्राइस पर हमारा जो पोको M6 Pro है, 5G वाला वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एक 4G वाला वेरिएंट भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना, 5G की हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। वो 1,000 रुपये सस्ता है नॉर्मल प्राइसिंग पर। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी सेगमेंट में बेस्ट माने जाते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कि इन बेस्ट की लड़ाई में दोनों में से बेस्ट कौन सा है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली टेक वीडियोज देखने के लिए मिलते रहें। अगर आप 10,000 रुपीज़ में कोई फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार 10,000 में कोई फ़ोन लेने वाला है, तो भाई ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कर देना, उसके बहुत काम की ये वीडियो होने वाली है, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्टफोन ले सके। प्राइस की मैंने बात कर ली है, वेरिएंट की मैंने बात कर ली है, इसके अलावा हम बात करते हैं इनके लुक की और डिज़ाइन की। लुक और डिज़ाइन दोनों का बहुत अच्छा है, अपनी अपनी पसंद है। लगभग 190 ग्राम के आसपास पोको M6 Pro का वेट है, और जो मोटो का G45 5G है उसका वेट लगभग 183 ग्राम्स है। यानी कि ज़्यादा वेट भी इतना बल्की फ़ोन नहीं है, भारी फ़ोन नहीं है, नॉर्मल आपको एक हैंडी फ़ोन दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो मोटो G45 के अंदर आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, पंच होल कैमरे का डिज़ाइन है। सेम चीज़ें अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की पोको M6 Pro के अंदर, तो वहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। 6.79 इंच की जो डिस्प्ले का साइज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर भी मिलती है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक में HD+ है और एक में फुल HD+ है। उसमें HD+ है तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, इसके अंदर फुल HD+ है तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। लेकिन ऑन एंड ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं बात करूँ, तो देखिए फुल HD+ काफ़ी बेटर होती है HD+ डिस्प्ले से। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, वहाँ पर आपको मोस्टली स्मार्टफोन्स HD+ पर ही देखने के लिए मिलते हैं। तो मोटो G45 एक ट्रेंड पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पोको M6 Pro है उसने ट्रेंड को ब्रेक किया है, और उससे आगे चलकर आपको फुल HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड की है। यहाँ पर पोको M6 Pro के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। मोटो G45 5G एंड्रॉयड 14 पर लॉन्च हुआ है, लेकिन पोको M6 Pro 5G एंड्रॉयड 13 पर लॉन्च हुआ है। एंड्रॉयड 14 में ये अपग्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की। तो मोटो G45 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 6F Gen 3 देखने के लिए मिलता है, जिस जो ऑक्टाकोर CPU है, इसके अंदर आपको दो कोर्स मिलती हैं, कॉर्टेक्स A78 की जो 2.3 GHz तक क्लॉक है, बाकी 6 कोर कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 2 GHz तक क्लॉक है, और ये 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोको M6 Pro की, तो वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर दो कोर्स मिलती है, कॉर्टेक्स A78 की वो 2.2 GHz तक क्लॉक है, बाकी 6 कोर कॉर्टेक्स A55 की है जो 2 GHz तक क्लॉक मिलती है, और ये 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। तो थोड़ी सी बेटर क्लॉक स्पीड हमें देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 6F Gen 3 है उसके अंदर, और बेटर GPU भी हमें देखने के लिए मिलता है 6F Gen 3 में। वहाँ पर एड्रेनो का 619 मिलता है, और स्नैपड्रैगन 4F Gen 2 में एड्रेनो का 613 मिलता है। तो हालांकि सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस में आपको हाई एंड पर जाता हुआ दिखेगा मोटो G45 5G। लेकिन जो पोको M6 Pro है वो 4 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, तो ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट आपको पोको M6 Pro नज़र आएगा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मोटो का G45 विनर है परफॉर्मेंस के नज़रिए से, क्योंकि वहाँ पर गेमिंग भी हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि GPU वहाँ पर थोड़ा एडवांस क्वालिटी का है अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर पोको M6 Pro से। तब अगर हम रियर कैमरे की बात करते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में डुअल कैमरे का सेटअप मिला है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा है, और 2 MP का आपको सिंपल एक मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फुल HD वीडियो एट 30 FPS हम दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सेल्फी कैमरा में डिफरेंस आता है, जो मोटो का G45 5G है उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा जो पोको का M6 Pro है वहाँ पर आपको केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो रियर कैमरा भले ही बराबर हो लेकिन सेल्फी कैमरे में मोटो का G45 यहाँ पर बाजी मार लेता है, काफ़ी बड़े मार्जिन से विनर साबित होता है। 3.5 mm जैक दोनों के अंदर है और मोटो G45 में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जबकि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको जो पोको का M6 Pro है उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर दूसरी तरफ हम IR ब्लास्टर की बात करें तो पोको M6 Pro में आपको IR ब्लास्टर देखने के लिए मिलता है, जबकि मोटो G45 में आपको IR ब्लास्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम सेंसर की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर और कंपास दोनों के अंदर है, बट जायरोम आपको मिलता है मोटो G45 में और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आपको मोटो G45 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ पोको M6 Pro में आपको जायरो का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो गेमिंग के लिहाज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर आप जायरो वाले गेमर हैं तो आप गेमिंग में जायरो का यूज़ करते हैं तो फिर मोटो G45 बेटर है आपके लिए। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब फिजिकली नहीं दिया गया है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सेंस करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर पोको M6 Pro के अंदर। बैटरी और चार्जर दोनों डिपार्टमेंट में दोनों सेम है, 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा कंपैरिजन था हमारा दोनों ही स्मार्टफोन्स का। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं। कुछ डिपार्टमेंट में मोटो का G45 आगे रहता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मोटो G45 में मिलते हैं, अच्छी गेमिंग कर पाएंगे आप। जायरो का सेंसर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा ताकि आप अच्छी बैटरी गेमिंग कर पाएँ। इसके अलावा इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि पोको M6 Pro से बेटर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पोको M6 Pro की, तो वहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा IR ब्लास्टर मिलेगा, जिसे आप चाहें तो इतना यूज़ नहीं करते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन फुल HD+ डिस्प्ले है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम इन बोथ स्मार्टफोन्स, किसी भी स्मार्टफोन को आप ले लेंगे आप निराश नहीं होंगे, आपको अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर पोको M6 Pro 5G आपको 1000 लेस मिल रहा है मोटो G45 5G का कंपैरिजन में। तो वहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का ना मिलना और गेमिंग में ज़्यादा बड़ा फ़र्क ना होना, जायरो सेंसर का ना होना चलता है। तो ओवरऑल इन दोनों अगर स्मार्टफोन्स की मैं बात करूँ तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इनमें से किसे विनर मानते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ये मुकाबला टाई ही है, क्योंकि एक में HD+ डिस्प्ले और एक में फुल HD+ डिस्प्ले है, तो वहाँ पर इसकी कमी पूरी कर देता है गेमिंग और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स। तो मेरे हिसाब से ये मुकाबला टाई है। आपके अकॉर्डिंग कौन विनर है, आप किसे लेना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। बाकी फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है, दोनों में से आप जिसको भी लेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 11,000 दोनों के दोनों ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।